नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेसल्स इनइक्वालिटी पर बात करेंगे, ठीक है, जो कि फंक्शनल एनालिसिस में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। तो देखिए क्या है इसकी स्टेटमेंट, लेट ई आई बी ऑर्थोनॉर्मल सेट। ई आई हमने इस तरह से क्यों लिखा, देखिए क्योंकि जो एस सेट है ये ई आई का, एस नाम दे दीजिए आप उसको। तो यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है इस पर, या तो ये एम्प्टी हो सकता है, या ये फाइनाइट हो सकता है, मतलब वन से लेकर एन तक एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर वन से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, क्या काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये तीन कंडीशन हमें नहीं पता कि हम तीनों के लिए प्रूव करेंगे, तो इसलिए हमने ई आई सेट कह दिया। और ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है कि ई आई की नॉर्म है वो वन के इक्वल होने चाहिए सभी आई के लिए, और अगर आई और जे हमारे इक्वल नहीं हैं तो ई आई परपेंडिकुलर है ई जे के, तो मतलब जो नॉर्म लेंगे ई आई और ई जे का वो क्या आना चाहिए भाई, जीरो आना चाहिए, तब हम उस सेट को क्या कह सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट कह सकते हैं। तो ई आई ऑर्थोनॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस एच में, और एक्स कोई वेक्टर है हिल्बर्ट स्पेस का, ठीक है। तो देन अगर हम नॉर्म बनाए एक्स और ई आई की, मतलब जो ये वैक्टर है और एक्स ई आई की, इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वेयर समेशन आई, ये जनरलाइज केस है, समेशन आई वन टू एन है वैसे, ठीक है ना। तो समेशन आई इनर प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ और ई आई का मोड का स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म एक्स का स्क्वेयर से, ठीक है। और सभी एक्स कहाँ से है, हिल्बर्ट स्पेस में से है, ठीक है, एच में से है। तो हम एस क्या है हमारा ई आई, इस तरह से है कि इनर प्रोडक्ट एक्स ई आई नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स कहाँ से है, एच से है। तो फर्स्ट केस लेता हूँ मैं, एस को मैं फाई लेता हूँ, फाई का मतलब एम्प्टी लेंगे, एम्प्टी लेते हैं सेट को। तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी लेंगे तो मतलब ये जीरो ही आ जाएगा भाई, खाली है तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो है, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो लेस देन नॉर्म एक्स का स्क्वेयर, मतलब नॉर्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, तो ये तो होता ही है ट्रू। तो क्या है, इन दिस केस बेसल इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रूव करने की बात नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट अगर जीरो ही लोगे तो भाई ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होने के कारण यहाँ जीरो रख दे तो फिर ये होल्ड हो जाएगी, हाँ तो है ना। अब हम सेकंड केस करते हैं कि फाइनेट हो तब हमें प्रूव करना है अच्छी तरह से, ठीक है ना, और इनफाइनेट के लिए भी हम करेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ये और ये हमने करके दिखाने अच्छी तरह से, करके तो ये भी दिखाना, बता देना भाई ऐसे होगा, ठीक है ना। तो आया ना समझ में, अभी हम आगे करते हैं, तो नोट कीजिए। इसको समझने से पहले कुछ रिजल्ट ध्यान में रखिए, देखिए जैसे कि अगर इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स के साथ लूँगा तो उसको क्या लिख सकता हूँ, नॉर्म एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स में जेड जेड कंजुकेट हो तो उसको क्या लिख सकता हूँ, मोड जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए, अगर मान लो कोई भी इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पर कोई स्केलर है, तो फर्स्ट जो लेफ्ट आर्गूमेंट से है वहाँ पर मैं स्केलर डायरेक्ट बाहर निकाल सकता हूँ। अगर ये यहाँ की बजाय कि x और ये यहाँ पर है स्केलर, है ना, तो अब ये किस तरह से निकलेगा कि अल्फा का कंजुकेट राइट से कंजुकेट के साथ निकलेगा स्केलर, तो ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले भी पता है और फिर भी आप इसको माइंड में रखिए, ठीक है ना, अब आप इजीली इसको प्रूव कर पाएंगे। देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं कि एस को हम फाइनेट लेते हैं, क्योंकि एम्प्टी के लिए हमने बता दिया कि ओल्ड हो जाती है भाई वहाँ पर, तो मतलब फाइनेट लेंगे एस को। तो क्या है, एस को फाइनेट मतलब इस तरह से लेंगे कि ई वन ई टू अप टू ई एन तक, लेट कोई भी एक्स है वो हिल्बर्ट स्पेस में से है, इस तरह से बनाया वो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये था हमारा डेफिनेशन में था ना, इस तरह का एक्स कोई वेक्टर था और ई आई उसका इनर प्रोडक्ट समेशन आई वन टू एन, तो ई आई और यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये भी कोई हिल्बर्ट स्पेस में से ही लिया है। तो दो वैक्टर हैं ये, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस में से, तो ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी भी हिल्बर्ट स्पेस में होगा, तो एक्स माइनस दिस भी बिलोंग करेगा एच में, है ना। तो अब आगे देखिए, तो अब ये है हिल्बर्ट स्पेस में है, तो इसकी नॉर्म एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो वही लिखा है। अगर नॉर्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नॉर्म एक्स का स्क्वायर है, तो उसको ये लिख सकता हूँ इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स, है ना, लिख सकता हूँ ना। तो ये लिखूंगा कि इनर प्रोडक्ट ये पूरा एलिमेंट अब x है, ठीक है, तो x और x इनर प्रोडक्ट यहाँ पर क्लोज है, ठीक है।
और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो चलेगा। आया है ना समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया कि कोई ये ए वेक्टर इल्बर्ट स्पेस में लिया, बी लिया, फिर ए माइनस बी भी होगा। अरे इल्बर्ट स्पेस में तो नॉर्म एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। नॉर्म एक्स को हम इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स लिख सकते हैं, वही लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो एच डी से है। अब देखिए इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, अब हम इसमें ओपन करेंगे, यहाँ कॉमा है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करेंगे तो एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट जैसे मल्टीप्लाई होती है उसी तरह से, और फिर x का यहाँ से करेंगे। और ये अब देखिए ये क्या है, स्केलर है ना कोई, इस स्केलर को ये राइट में है, राइट में है तो फिर क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बार नहीं ले सकते, कंजुकेट के साथ बार लेंगे। लेफ्ट में हम पहले में है, मतलब आप सिंपल ये समझे भाई, कोमा में होंगे या दो एलिमेंट पहला और दूसरा, पहले में हम डायरेक्ट ले लेंगे, दूसरे में तो कंजुकेट लगाएंगे, बस ये नोट कीजिए। दूसरे में होगा तो कंजुकेट के साथ हम बार निकाल लेंगे। तो ये अब दूसरे में है जी, तो मैंने इसको बाहर एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट ये आ गया भाई, फिर माइनस में एक्स और फिर ये स्केलर बाहर निकालेंगे, और ये दूसरे में है मतलब कि राइट में है, तो ये कंजुकेट के साथ बाहर आएगा, कंजुकेट लगा दिया, और फिर एक्स का ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आया है समझ में आपको। फिर माइनस में, अब ये फर्स्ट में है हमारा क्या स्केलर, तो फर्स्ट में हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे, ये निकाल लिया हमने। फिर क्या है, इनर प्रोडक्ट ई आई का एक्स के साथ, ई आई का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट। फिर हमने क्या किया अब, ठीक है ना, इसका इसका हो चुका, इसका इसका, अब इसका और इसका, तो अब इसका और इसका होगा। तो ये फर्स्ट से स्केलर है तो एच डी आएगा समेशन आई वन टू एन, और सेकंड से कंजुगेट से आएगा तो समेशन तो आ जाएंगे इनके जो भी आई वन टू एन और जे वन टू एन। तो फर्स्ट वाला तो देखिए सेम निकाल लिया हमने, सेकंड वाले पे कंजुगेट आ जाएगा, वही लिखा है। और फिर ये क्या है, ई आई का ई जी के साथ, ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो है ही, इसको ध्यान से समझिए बिल्कुल, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमने केवल इनर प्रोडक्ट किया है इसका इसके साथ, फिर इसका है तो ये हमने कंजुगेट के साथ बाहर निकाला है, ठीक है, और फिर एक्स का ई जे के साथ, फिर इसी तरह से अब ये ख़त्म हो चुका है, तो अब इसका इसके साथ होगा, तो ये पहले में है तो एच डी बार निकाला है, फिर ई आई का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर हमने क्या किया है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो प्लस लगाया है, तो ये समेशन और समेशन बार लिख लिया, ये है फर्स्ट में तो एच डी आएगा और सेकेंड में फिर कंजुकेट के साथ आएगा, फिर ई आई और ई जे का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये किया है। अब देखिए अब हम नॉर्म इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स क्या लिखते हैं, नॉर्म एक्स का स्क्वायर वही लिखा है, इसको जेड कंजुकेट, इसको जेड, तो इसको क्या लिख सकते हैं मोड जेड का स्क्वायर, है ना, तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इनर प्रोडक्ट एक्स ई जे के इनर प्रोडक्ट मोड का स्क्वायर और समेशन जे वन टू एन है ही। फिर नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में आएंगे तो क्या है समेशन आई वन टू एन एच डीज हैं। अब यहाँ पर ये किस तरह से आएगा, एक बात और है आपको, अगर मैं इनको सेम बनाना चाहूँ, इसको ये है, इसको एच डीज रखूँ, इसको सेम बनाना चाहूँ तो क्या होगा, प्लेस चेंज करूँ और ये लिखूँ इनर प्रोडक्ट, तो इस पर कंजुकेट आ जाएगा, आ जाएगा ना कंजुकेट, इसको मतलब मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, नोट कीजिए, ठीक है ना। आप अगले स्टेप में करके दिखा सकते हैं, यहीं भी समझ सकते हैं, वो लेंथ ही हो जाता ना, इस कारण से जगह नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं उसको। तो बस मैंने इसको चेंज किया है, प्रॉपर्टी होती है ना कि एक्स वाई है, अगर उसको आप वाई एक्स लिखेंगे, ये इनर प्रोडक्ट है, तो वो वाई एक्स कंजुकेट हो जाएगी, है ना, तो उस तरह से हमने कर दिया ही। तो आया है ना भाई समझ में, तो यही है समेशन आई वन टू एन। तो एक्स ई आई अब सेम हो चुका है, ये है जेड और ये है जेड कंजुकेट, तो वो एक्स ई आई इनर प्रोडक्ट मोड स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए समेशन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए समेशन आई वन टू एन भी है और जे वन टू एन भी है, दो समेशन हैं। तो यहाँ पर अगर ये आई की वैल्यू वन हो, जे की वैल्यू टू हो, मतलब अलग वैल्यू रहेंगी, तो इस इनर प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा ना, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात कर रहे हैं हम, तो डिफरेंट होगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, सेम करूँगा तो वन आएगा, सेम करूँगा ना तो वन आएगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, जहाँ पर ये ई आई है, आई है, वहाँ पर जे कर दूंगा, आई को मिटाकर आपने जे कर देना है, तो जे करेंगे तो यहाँ पर आई को मिटाकर जे करेंगे और सेम का सेम के साथ फिर वो वन होगा, समझे ना, ई जे और ई जे और फिर इनर प्रोडक्ट लेंगे ना तो वो वन आएगा इसका,
सेम का सेम के साथ, मतलब वन कर देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ आई की जगह जे करेंगे तो आई की जगह जे ये एक्स ई जे बन जाएगा, और ये एक्स ई जे का कंजुकेट है इनर प्रोडक्ट में, तो वही डेफिनेशन लग जाएगी इनर प्रोडक्ट एक्स ई जे मॉड का स्क्वायर समेशन जे वन टू एन। ये समेशन हट जाएगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, बराबर ही ले लिया है। बराबर लेंगे तो जब तभी तो काम चलेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, आया ना ये समझ में? मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको। ये ई आई है ना, तो जब आई इज इक्वल टू जे होगा ना भाई, तो ही वन आएगा, नहीं तो इसका जीरो आता रहेगा, जीरो आएगा तो फिर ये खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो बाकी में तो ये एक ही केस लेंगे कि बराबर हम वन ले लेते हैं, वन ये समेशन रख लिया तो फिर आई की जगह यहाँ जे कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि अब मैंने केवल आई इज इक्वल टू जे कर दिया तो समेशन एक ही रह जाएगा भाई, है ना। तो समेशन एक आई की जगह जे लिखेंगे तो ये एक्स ई जे, और ये एक्स ई जे का क्या है कंजुकेट, तो वो फिर यहाँ इनर प्रोडक्ट मोड का स्क्वायर लिखा जाएगा और समेशन एक ही रहेगा और ये वन आ जाएगा सेम का सेम के साथ, है ना। तो इस तरह से किया है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो है ही, ये टर्म और ये टर्म एक्स ई जे इनर प्रोडक्ट मोड का स्क्वायर और ये भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगी, समेशन भी सेम है। तो ये कैंसिल होने के बाद बचेगा कि भाई नॉर्म एक्स का स्क्वायर ये बचेगा, और फिर ये है तो ये मैं उस तरफ ले जाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा अब ग्रेटर देन में। तो इसको मैं बल्ट के इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ कि ये इस तरफ ये इस तरफ, तब भी वही इनक्वालिटी है ये, है ना। तो यही हमने प्रूव करना था, है ना। अब केवल एक केस है, जब एस को हम इनफाइनिट ले ले तो क्या होगा, आया है ना समझ में? इसमें ध्यान से समझिए, कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, आप प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें आप अगर भाई कन्फ्यूज हो तो ये कन्फ्यूज नहीं होने की बात है, क्योंकि दो समेशन हैं तो ही उत्तर आएगा जब आई और जे बराबर करूँगा, तो समेशन एक रह जाएगा, ठीक है। समेशन एक रहेगा तो यहाँ आई है तो जे करूँगा, और यहाँ पर एक्स ई जे है, तभी तो ये जेड और जेड कंजुकेट होगा, और तभी ये फिर इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जे आड़ा कर दिया ना हमने तो इसमें लिखा जाएगा, और ये वन हो जाएगा इस तरह से। बाकी पे ये जीरो रहेगा जब हम डिफरेंट करेंगे, हमने तो सेम के लिए किया है तो सेम के लिए ये इस तरह से खुलेगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा तो आगे कर ही देंगे। और आगे फिर हमने ये बताया है कि इसको हम चेंज करके किस तरह से, तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड केस करते हैं, देखिए देखिए भाई, थर्ड केस में क्या करना है आपने वो थोड़ा ध्यान रखिए। हमने प्रूव ये करके दिखाना है कि जो समेशन आई वन टू एन है इनर प्रोडक्ट एक्स ए आई मोड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म एक्स का स्क्वायर, सभी एक्स एच में से है ना, ये हमने प्रूव करना है। तो हम लिमिट को अप्लाई करें तो ये जो सीरीज है, अगर हम ये जो सीरीज है अगर हम इस सीरीज को कन्वर्जेंट दिखा देंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, ये इस साइड एन नहीं है, इस साइड एन है, अगर लिमिट में अप्लाई करें, और लेकिन तब कर सकते हैं ये कन्वर्जेंट हो सीरीज। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हम प्रूव कर पाते हैं तो हम कह देंगे कि भाई ये इनक्वालिटी होल्ड रहेगी, ठीक है, नहीं तो नहीं रहेगी। तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए ये सीरीज, और कन्वर्जेंट के लिए मैं ये दिखाऊंगा कि एस एम माइनस एस एन ये टेंड करेगा जीरो पर जब एम और एन टेंड करेंगे इन्फिनिटी की तरफ। तो इसको करने के लिए बस हमारा यही काम है कि इस सीरीज को हम किसी न किसी तरह मतलब क्या दिखाएं, कन्वर्जेंट दिखाएं इसको, ये कन्वर्जेंट तो फिर हमारी थ्योरम हो जाएगी, थर्ड पार्ट हो जाएगा। देखिए मतलब एस हमने क्या लिया है, काउंटेबली इनफाइनाइट लिया है, तो वन टू इन्फिनिटी ई आई, ठीक है ना, इस तरह का सेट लिया है। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम एस एन को किस तरह से, समेसन आई वन टू एन इनर प्रोडक्ट एक्स ई आई और मोड का स्क्वायर, इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है ना। आपको ध्यान हो तो वो ये सीरीज है जैसे थी यहाँ पर इस साइड, है ना, वही सीरीज हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है एस एन। तो एस एम माइनस एस एन का नॉर्म देखते हैं हम, तो अब देखेंगे ना आप एस एम और एस एन यहाँ पुट करते रहेंगे टर्म, तो केवल एक ये टर्म बचेगी आई इज इक्वल टू एन प्लस वन से एम, है ना, आई एन प्लस आई इज इक्वल टू एन प्लस वन से एम और इनर प्रोडक्ट एक्स ई आई मोड का स्क्वायर, बाकी टर्म कैंसिल होती रहेगी, ठीक है ना। तो आप ये टर्म बचेगी कि आई एन प्लस वन से एम तक और लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स का स्क्वायर, ये सभी एक्स कहाँ से है, एच में से है। तो अगर एम एन को आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवाओगे तो ये सीरीज जीरो को टेंड करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज हमने एस एन है ये क्या है, कोची सिक्वेंस है एच में,
कुछ ही सीक्वेंस है तो ये कन्वर्ज करेगी एच में, कन्वर्ज करेगी तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्फाइनाइट सीरीज है ये, तो वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो यही तो हमने दिखाने थे कि ये किसी तरह हम कन्वर्जेंट दिखा दे तो फिर हमारी इनक्वालिटी होल्ड हो जाएगी भाई तीनों केस के लिए। तो इसका जनरलाइज केस लिखना चाहे तो, तीनों के लिए लिखना चाहे तो ये था भाई, आई लिख दे बस यहाँ पर, तो हैंस प्रूव्ड। तो बेसल इनक्वालिटी में थर्ड केस में आपने कुछ नहीं करना, एस एन इस तरह से मान लीजिए इसकी लेफ्ट ही साइड को, और फिर ये एस एम और एस एन का जो नॉर्म है इस तरह से डिफाइन करेंगे ना, आई एन प्लस वन और वहाँ एम कर दीजिए, ये एच डी जी बचेगा, और फिर लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर एज एम एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो एस एन कोच सिक्वेंस हो जाएगी, कोच सिक्वेंस है तो कन्वर्ज करेगी एच में, कन्वर्ज करेगी तो फिर इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी, तो हैंस बेसल इक्वलिटी प्रूव्ड फॉर ऑल थ्री केसेज, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, और ज़रा ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आसान है बिल्कुल, ठीक है ना। मैन तो मेरे ख्याल से दूसरे ही केस में आपको ध्यान देना है, और तीसरे केस में तो ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद बस ये, और फिर यहाँ पर n प्लस वन और m ये बचेगा, लेस देन इक्वल टू, फिर ये बता दे कंडीशन, बस कौन सी सिक्वेंस कन्वर्ज करेगी, तो इस तरह से ये भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।